गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 17 हिंदी के पाठ 17 यानी कहानी लेखन पाठ को पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। आपको कहानी अभी तक आपने कहानियाँ अपनी अम्मा दादी नानी से सुनी होगी, लेकिन अब आपको लिखनी भी है। कैसे कहानी बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और कहानी ऐसी लिखते हैं पढ़ने से एकदम समझ में आ जाए कि आपने कहानी क्या लिखी है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। अब ये देखिए, कहानी लेखन में जैसे श्रवण कुमार की कहानी है, श्रवण कुमार की कहानी हम पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, श्रवण कुमार नाम का बालक था। श्रवण कुमार के माता पिता बूढ़े और अंधे थे, अतः श्रवण कुमार की ही उनकी देखभाल करता था। वह उनके लिए खाना बनाता, उनके कपड़े धोता और रात को उनके पाँव दबाता था। श्रवण कुमार माता पिता की मन से सेवा करता था। एक बार कुछ तीर्थयात्री श्रवण कुमार की कुटिया में के पास से गुजरे। तीर्थयात्री कौन होते हैं बच्चों? जो मंदिर वगैरह घूमने जाते हैं, जगह जगह तीर्थ यात्रा करते हैं, उनको हम कहते हैं तीर्थयात्री। श्रवण कुमार के माता पिता ने उन तीर्थयात्रियों के मुख से प्रभु भजन कीर्तन के स्वर सुने मतलब आवाज सुनी तो उनका मन दुख से भर गया। श्रवण कुमार के पिता ने आह भरते हुए कहा, हमें तीर्थ यात्रा पर जाने का सुअवसर कभी नहीं मिल सकता। यह सुनकर श्रवण कुमार की माता ने कहा, हम बूढ़े और अंधे अवश्य हैं, किंतु तीर्थ यात्रा की इच्छा तो हमारी भी होती है। श्रवण कुमार के माता पिता ने की बात सुन ली उसने सोच लिया कि वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा अवश्य कराएगा। यह सोचकर वह एक बढ़ई के पास गया और माता पिता के लिए लकड़ी की एक वहंगी, वहंगी मीन्स देखिए ये ऐसे कांवर जैसे बनाते हैं, वहंगी बनाने के लिए कहा। वहंगी तैयार होने पर वह घर ले आया और माता पिता से बोला, मैं आपको तीर्थ यात्रा पर ले चलूंगा। वहंगी पर माता पिता को बैठाकर श्रवण कुमार अपने उन्हें पवित्र तीर्थ स्थलों पर ले गया। मतलब उसने जो बड़े बड़े मंदिर थे देश में वो घुमाए, उनके दर्शन कराए। एक अच्छे और सेवा करने वाले पुत्र के समान उसने अपना पूरा दायित्व निभाया। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। तो देखिए, कहानी में रोचकता भी है और कहानी में वाक्य बहुत छोटे छोटे प्रयोग हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी।